अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों सेटअप के ऊपर काफ़ी सारी कोशिश की है कि सफाई वफाई करवाऊं। यहां पर बहुत ही ज़्यादा गन पड़ा हुआ था, आपको याद होगा कि यहां पर एक एयर कूलर टूटा फूटा पड़ा हुआ था, उसके आगे ये वाला केज रखा हुआ था और ये बिल्कुल जगह बंद हुई हुई थी। आपको अभी हो गए काफ़ी ज़्यादा जगह खुल गई है, अभी भी यहां पर कुछ सामान रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे काम का है। ये मैं आपको बताऊंगा मैं कहां कहां इस्तेमाल करने वाला हूं। एयर कूलर के साइड हैं ये, साइड की जो होती हैं, ठीक है, ये मेरे किस काम आने वाली हैं मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ से आप देखो यहाँ पर मट्टी वट्टी है, यहाँ पर ठंडक है, तो यहाँ पर ज़रा बर्ड दिन में खेल वेल लेते हैं मट्टी के। जैसा कि अब मौसम तब्दील हो रहा है आप लोगों को पता है, तो अब ये खुला हुआ एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब यहाँ से ये मैं हटा दूंगा सर्दियों में तो यहां पर बहुत अच्छी धूप आया करेगी और इन बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। यहां पर इस केज का मैंने सेटअप कर दिया जो यहां बीचों बीच पड़ा हुआ था, ठीक है, यहां पर कर दिया साइड में। ये वो बेस एरिया है जो एयर कूलर का तला आप जिसको कह लें, ठीक है, इसको भी मैं यूटिलाइज करूंगा अपने इसी इस्तेमाल में क्योंकि आपको पता है जितनी भी वेस्टेज है हमारे शौक में बहुत ही काम आ जाती है। यहां पर एक मेरे पास फटा हुआ ये पड़ा हुआ था, लकड़ा मैंने इसका निकलवा लिया था और इस पर कपड़ा भी चढ़ा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा काम आएगा सर्दियों में, लगा देंगे तो बर्ड पे बैठ जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैं किस तरह इस्तेमाल करूंगा इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ का एरिया आप लोगों ने देख लिया है कि कितना ज़्यादा खुल गया है। इसी तरीके से यहाँ इस केज के अंदर यहाँ पर लकड़ियाँ कितनी ज़्यादा बीचों बीच पड़ी हुई थी, गंद हुआ हुआ था, बर्ड को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी यह है कि माशाल्लाह बीच में खेल वेल रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर स्पेस बन गया है, ये आराम से यहाँ पर खेल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से कितनी ज़्यादा जगह यहाँ पर खुल गई है। इसके साथ ही यहाँ से जाली देख रहे हो, ये जाली यहाँ से खुलने लगी है और इसके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से इस जाली को मैं बांधूंगा। यहाँ से इस केज की जाली उस तरफ से टूट रही थी, अब उस तरफ चली गई है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है और बर्ड वगैरह वहाँ से निकल भी पा रहे थे। वो सामने देखो लकड़ियाँ वगैरह लगा मैं जुगाड़ किया हुआ है, अब वहाँ ये दीवार की तरफ चला गया तो ये भी आसानी हो गई है कि वहाँ से भी जान छुड़ गई, वरना मैं इसको बांध भी सकता था, बट ये है कि अभी आसानी हो गई है। इसके साथ ही जितनी भी वेस्टेज होती है हमारे घर की उसको आप अपने काम में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ, कोई भी नया केज जब मैं बना रहा हूँ तो मेरे काम आएगा, यह मैंने तजर्बा हासिल किया इस चीज़ से। यहाँ पर ये पिंजरा टूट रहा था, यहाँ से मैंने इसको दारों से बांध के यहाँ लगा दिया, अब दरवाज़ा खुल बंद भी हो रहा है और ये जाली का काम भी कर रहा है, हवा वगैरह भी जा रही है और मेरा एक वो ऐप भी छुप गया जो इसके पीछे पूरा का पूरा ख़राब हो रही थी जाली, उसको मैं वैसे भी तार से बांध के भी सही कर सकता था, बट ये एक चीज़ पड़ी हुई थी तो काफ़ी अच्छा काम आ गई है। इससे दो फायदे हो गए, एक तो ये ऐप भी छुप गया, दूसरा जो ये एक दूसरे को नोके मार रहे थे ना, ये काफ़ी दूर है, इसकी पट्टी काफ़ी मोटी सी हो गई है तो अभी एक दूसरे को नोक भी नहीं पा रहे हैं, तो ये भी इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज है। इसी तरीके से मैंने सोचा है कि इसको भी मैं कवर्ड कर दूंगा इससे, ताकि ये एक दूसरे से नोक वोक ना पाएँ, इससे मुर्गे को नुकसान हो जाता है जब ये नोकते हैं तो फिर नोक वोक अपनी तोड़ लेते हैं और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जिस तरह ये वाली मैंने अब इसको बंद कर रखा है, ठीक है, इसको मैंने बंद कर रखा है, अब ये ईंटें वीटें लगा रखी हैं फालतू की क्योंकि ये एक दूसरे से नोक ना पाएंगी, काफ़ी बड़े सुराख हैं ये एक दूसरे से नोक सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ से मैंने ये बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर अगर ये चीज़ लग जाएगी तो ये इस तरीके से ये नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा आसानी मेरे लिए हो जाएगी। इसके साथ ही ये वो तार था जो मैं लेकर आया हूँ, इससे वो वाला जो गेट है वो भी बन जाएगा और इसको भी मैंने इसी से बांधा है, इसी तरीके से ये सही करूँगा, ये भी इसी से बांधूँगा। जो भी जाली, जैसे कि यहाँ से जैसे जाली ख़राब हो रही है, इसके पीछे मैंने दूसरी जाली लगा दी, ये भी फ्रिज की पड़ी हुई थी वेस्टेज, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर ली पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया अभी दस के बारे में। अब जैसे जाली यहाँ से निकल रही है, ये इससे बन जाएगी, तो हमें बस ये छोटे छोटे से ख्याल करने और जब हम ये चीज़ें करते रहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और फ़कत ये जाली, ये पूरी की पूरी तार जो है ये 280 रुपए की आई है और बहुत सारी तार है, बहुत सारी जगह इससे मैं यहाँ से ये पूरी की पूरी ये जो खराब हो रही है आप देख सकते हो, ये देखें यहाँ से मुर्गी बाहर निकल आती है, ये इतनी खराब हो रही है, तो ये जब सही हो जाएगी तो डेफिनेटली इसका जो है वो डर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका डर खत्म हो जाएगा कि मुर्गियाँ यहाँ से बाहर निकलें और कोई नुकसान हो, या मुर्गा निकल आए मुर्गे से नोक जाए या लड़ पड़े आपस में, कोई भी नुकसान हो, चाहे इसको नुकसान हो या उसको नुकसान हो, नुकसान तो मेरा ही है, तो ये जो जानी नुकसान होता है ये बहुत ही खतरनाक है, इसकी कोई माफ़ी तलाफी है नहीं, इस चीज़ से हमें बचना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।